मैं बोलूंगा सच तो समझोगे झूठ। मैं यहाँ केस लेकर आया था, कॉम्प्रोमाइज कराने नहीं। देखिए मैं निगार पर केस करूंगा, समझ गए आप? और अगर आप राजी नहीं है तो मैं किसी और वकील का दरवाजा खटखटाऊंगा, समझ गए आप? ये क्या पीते रहते हो तुम? अरे भाई दवाई है। दवाई? कौन सी बीमारी है तुम्हें? कमीनेपन की। नहीं पीता हूं ना तो दिलो दिमाग में कमीनेपन के आइडिया आते हैं। आप पियेंगे? नहीं, ना तो मुझे कमीनेपन की बीमारी है और ना ही मेरे दिमाग में कमीनेपन के ख्याल आते हैं। मजाक करते हैं आप? हाँ? ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? वकील साहब आप जानते हैं वकील और शैतान में सबसे खतरनाक कौन होता है? वकील, क्योंकि वो जिंदों को मुर्दा और मुर्दों को जिंदा कर सकता है, शैतान नहीं। वाह बशीरा वाह, मेरे यहां आकर मेरी बुराई कर रहे हो। अरे बुराई नहीं कर रहा हूं वकील साहब, बुराई नहीं कर रहा हूं। मैं बोलूंगा सच तो आप समझेंगे झूठ, सच्चाई की बात कर रहा हूं, सच्चाई की। बेकार की बात छोड़ो और मेरी बात गौर से सुनो। तुम खामखा केस करना चाहते हो, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सुलह करवा सकता हूं। मेरा क्या फायदा होगा ये बताइए। तुम्हें तुम्हारे बीवी बच्चे चाहिए ना? अरे वकील साहब लगता है काला कोट पहनते पहनते आपकी अकल पर कालक चढ़ गई है। अरे क्या मैं अपने बीवी बच्चों के लिए केस लड़ना चाहता हूं? हाँ तो फिर वकील साहब, अली यावर को बीवी मिल गई और निगार को रईस शोर, जमीन से आसमान तक पहुंच गई वो, और मैं दर बदर की ठोकर खाता रहता हूं। अभी तो कुछ फायदा होना चाहिए ना। मतलब तुम्हारी नजर उसकी दौलत पर है? वकील साहब दौलत के बिना इंसान नहीं जी सकता। क्या बीवी बच्चे इंसान की जरूरतें पूरी करते हैं? नहीं, दौलत इंसान की जरूरतें पूरी करती है, समझ गए ना? फिक्र मत करो बशीरा, मैं निगार से तुम्हारी बात कहूंगा, हो सकता है वो सौदा मंजूर कर ले। कोर्ट में जाओगे तो बरसों तक फैसला नहीं होगा। अकलमंदी इसी में है कि मुंह मांगी कीमत लो और सब कुछ भूल जाओ। हाँ ठीक है, देखते हैं, आप बात कीजिए, देखते हैं कितने में सेटल होता है। वकील साहब आपका कहना सही है, लेकिन इतने सारे रुपयों का इंतजाम मैं नहीं कर सकती। इज्जत की कीमत नहीं लगाई जा सकती। चौधरी खानदान की इज्जत अनमोल है, और फिर आपको तो सिर्फ 10 लाख रुपए देकर इज्जत को बचाना है। मामूली रकम है आपके लिए, मामूली रकम होगी हमारे लिए नहीं। अब ये तो आप लोग सोचें कि रकम बड़ी है या फिर चौधरी खानदान की इज्जत। ठीक है, हमें कुछ दिनों के लिए मोहलत चाहिए। तो ठीक है, दस दिन बाद मैं आपसे फिर से कांटेक्ट करूंगा। मैं लालची इंसान नहीं हूं, दरअसल मैं तो आप पे एहसान कर रहा हूं। अगर मैं चाहता तो बशीरा से पैसे लेकर आप पर केस कर सकता था। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैं बहुत ही शरीफ इंसान हूं। मजबूर लोग तो मुझे फरिश्ता कहते हैं। हाँ, जरूरत पड़ने पर शैतान बन जाता हूं। बेहतर होगा आप मुझे फरिश्ता ही रहने दें। चलता हूं, खुदा हाफिज़।
मंतशा ये तुमने क्या किया? झूठा वादा करने की क्या जरूरत थी, जबकि तुम जानती हो कि हम कहीं से भी किसी भी सूरत में इतनी बड़ी रकम का इंतजाम नहीं कर सकते। तो क्या करती अम्मी, देखा नहीं वो हमें किस तरह धमकी दे रहा था? उसे पीछा छुड़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था ना, इसीलिए मैंने 10 दिन की मोहलत मांग ली। 10 दिन बहुत होते हैं, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। समझ लो तुम्हारा काम हो गया बशीरा। मैं बोलूंगा सच तो समझोगे झूठ? पता तो चले बात क्या हुई, कितने में सौदा तय हुआ? सौदा अभी तय नहीं हुआ है। तो फिर गए क्यों थे वहां आप? मैंने बात कर ली है, निगाह रुपए देने को राजी हो गई है, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार? परसों से इंतजार कर रहा हूं मैं, परसों से। अब मैं इंतजार नहीं कर सकता। बशीरा बात समझने की कोशिश करो, अगर तुमने कोर्ट में केस किया तो बात जंगल की आग की तरह फैल जाएगी, और फिर निगार का शौहर उसे तलाक दे देगा और निगार के हाथ कुछ नहीं आएगा, और फिर तुम्हें निगार और उसके बच्चे को संभालना होगा। भिखारी की जिंदगी गुजारोगे तुम, एक रुपया हाथ नहीं आएगा। तो फिर क्या करूं? थोड़ा इंतजार, मुझे यकीन है तुम्हें रुपए मिल जाएंगे। वो तो मिलेंगे, और अगर नहीं मिले तो जितने साल में मारा मारा फिर रहा हूं ना, सबका बता लूंगा, जीना हराम कर दूंगा मैं। सिर्फ एक हफ्ता इंतजार करो, तुम्हारी सारी तमन्नाएं पूरी हो जाएंगी। और अगर वक्त रुपए नहीं मिले तो हमें मजबूरन केस करना पड़ेगा। क्या हुई ना बात? क्या बात है मम्मी, आप इतनी खामोश क्यों बैठी हैं? क्या बताऊं बेटा, जान आफत में है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अम्मी आप मुझे बताइए, हो सकता है मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं? तुम बेटे हो, प्रॉब्लम तो तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अम्मी पहले ये तो बताइए कि प्रॉब्लम क्या है। मुझे 10 लाख रुपयों की सख्त जरूरत है। दस लाख? लेकिन किस लिए अम्मी, आपको इतने रुपयों की जरूरत कैसे पड़ी? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती, बात क्या है? अगर तुम रुपयों का इंतजाम नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मैं कहीं और से इंतजाम कर लूंगी। अरे नहीं अम्मी, मैं तो सिर्फ आपकी जरूरत जानना चाहता था। और मैं बताना नहीं चाहती। ठीक है अम्मी, रुपए आपको मिल जाएंगे, लेकिन कोई सवाल मत पूछो, मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। ठीक है अम्मी, जैसी आपकी मर्जी। हाँ हाँ मालूम है, उस दिन तुमने 10 दिन की मोहलत मांगी थी। तो फिर क्यों आए हो? वो मेरे रुपए हैं, इस बार मैं एक दूसरा सौदा करने आया हूं। दूसरा सौदा? हाँ, बशीरा को 5 लाख रुपए की जरूरत है, ये पैसे मिलते ही वो तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा। पागल हो गया है वो, जो ऐसी बातें कह रहा है। मुझे 10 लाख रुपयों का इंतजाम करने में ही इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और आपने आपने 5 लाख का सवाल और पैदा कर दिया। वो 5 लाख बशीरा को देने हैं,
बड़ी मुश्किल से उसे राजी किया है मैंने। देखो मौका अच्छा है, 5 लाख रुपए से देकर उस मुसीबत से हमेशा के लिए छुटकारा पा लो। मैं इतने रुपयों का इंतजाम नहीं कर सकती। ये सोचना आपका काम है, अगर इंतजाम ना हुआ तो क्या होगा? क्या होगा तो? और क्या करेगा वो? क्या कर लेगा और क्या कर लेंगे आप? आप लोगों को जो करना है कर लो, मैं मजबूर हूं फिलहाल 10 लाख रुपए का इंतजाम कर सकती हूं, उससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकती। ठीक है, फिर भी कोशिश कीजिएगा, चलता। वो मेरे रुपए हैं, इस बार मैं एक दूसरा सौदा करने आया हूं। बशीरा को 5 लाख रुपए की जरूरत है, ये पैसे मिलते ही वो तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा। बड़ी मुश्किल से उसे राजी किया है मैंने। देखो मौका अच्छा है, 5 लाख रुपए से देकर उस मुसीबत से हमेशा के लिए छुटकारा पा लो। गहरी सोच में डूबी हो, सब कह रहे तो है। तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है, जाओ जाकर अपना काम करो। ये भी तो मेरा काम है। अली यावर साहब की पहली बीवी होने के नाते घर का ख्याल रखना भी तो मेरा काम है। हाँ, और फिर तुम इस घर की मेंबर हो, इसलिए मैंने सोचा कहा ना तुमसे, जाओ यहां से। मुझे परेशान क्यों कर रही हो, क्या चाहती हो तुम? तुम्हारी बर्बादी, तुम्हारी तबादी, तुम्हारा खात्मा। और वो वक्त बहुत जल्द आएगा निगार। तुमने लोगों का बुरा ही चाहा है तो तुम्हारे साथ अच्छा कैसे हो सकता है? कांटे बोने वाले के दामन में कांटे ही भरते हैं। भूल नहीं, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम बहुत ही नेक और शरीफ औरत हो। तुमने तो कोई बुरा काम किया ही नहीं। बिल्कुल नहीं किया, इसलिए तो घर से बेघर होकर भी मैं वापस घर लौट आई। पागलखाने पहुंचकर भी मैं ठीक हो गई। इतना सब कुछ सहकर, सारी मुसीबतें सहकर भी आज मैं जिंदा हूं, खुश हूं। ये सब मेरी नेकी का इनाम है निगार। और तुम जो भुगत रही हो ना, वो तुम्हारी करनी का फल है। और बात यहां खत्म नहीं होती, तुम्हें और तड़पना होगा और भुगतना होगा, तब तक जब तक तुम्हारा सर दुनिया के सामने झुक ना जाए और मेरा सर ऊंचा ना रहे। और वो वक्त बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्द। कहाँ, क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो? कुछ नहीं। अरे देखो मिस्टर, अब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूं, तुम्हारी बीवी हूं। क्या बात है बताओ मुझे। कोई खास बात नहीं है ज़बदा।
देखो ताहा, अगर तुम बता दोगे तो शायद हम मिलकर कोई सलूशन निकाल लेंगे। अम्मी ने 10 लाख रुपए मांगे। 10 लाख? हाँ। लेकिन अचानक उन्हें इतने सारे रुपयों की जरूरत, मतलब? उन्हें जरूरत है, मैं देना चाहता हूँ। After all, she's my mother. उनकी जरूरत पूरा करना मेरा फर्ज बनता है। ठीक है, अगर ये बात है तो हम बड़े अब्बू से रिक्वेस्ट कर लेते हैं। नहीं जुबैदा, नहीं, बड़े अब्बू को मैं नहीं बताना चाहता। उनके इतने सवाल होंगे, उससे बेहतर यही होगा कि मैं कहीं और से इंतजाम कर लूं। बात तो सही है तुम्हारी, इतने सारे रुपए मांगेंगे तो ना जाने वो हमसे कितने सवालात करेंगे। कहां से लाऊं, किससे मांगूं, समझ में नहीं आ रहा। कहा, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? अगर हम नहीं चाहते कि बड़े अब्बू को पता चले तो हमको एक ऐसी प्रॉपर्टी बेच देते हैं जिसके बारे में बड़े अब्बू को पता ही ना हो। जबरदस्त, मैंने इसके बारे में सोचा था, तरह मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं तो किसी ना किसी दिन उनको पता लग जाएगा। ताहा, जब पता चल जाएगा तो हम देख लेंगे, फिलहाल आज का हमारा काम तो हो जाएगा ना। जबरदस्त, और कोई रास्ता है? एनी अदर वे? नो ताहा, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट व्हाट? एक्सेप्ट ये कि तुम मेरी ज्वेलरी बेच दो। देखो ताहा, मैं वैसे भी ज्वेलरी नहीं पहनती। सारी ज्वेलरी जो लॉकर में पड़ी है सड़ रही है, इससे बेहतर ये है कि वो अम्मी के काम आ जाए। कम ऑन ज़ुबैदा, मैं इतना मीन नहीं हूं कि तुम्हारी ज्वेलरी बेचूंगा। नो वेज। देखो ताहा, तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, अब तुम जो भी चूज करोगे आई एम विद यू। आजकल रियल एस्टेट मार्केट में आग लगी हुई है ताहा बेटे। कोई भी प्लॉट आप आज खरीद कर कल भी बेचते हो तो सौदा मुनाफे का ही होता है। तुम्हारी प्रॉपर्टीज तो अब तक सब डबल दाम हो गए होंगे, क्योंकि तुम्हारी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं सब अच्छी जगहों पर है। अहमद अंकल, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि जो प्रॉपर्टीज मेरी अम्मी के नाम पे हैं उनकी आज वैल्यू क्या होगी। आप एक मिनट बेटा। हाँ बेटे, तुम्हारी अम्मी के नाम की प्रॉपर्टी दो जगहों पर है, एक कल्याण में और दूसरी अलीबाग में। उनकी वैल्यूएशन क्या होगी? अब इस समय एग्जैक्टली वैल्यूएशन बताना तो मुश्किल होगा, पर मैं 2-4 दिन में पता लगा के बताता हूँ। अहमद अंकल, जल्द से जल्द पता करवाइएगा प्लीज। इसकी कोई खास वजह बेटा? हाँ अहमद अंकल, मैं उन प्रॉपर्टीज को बेचना चाहता हूँ। बहुत प्रॉपर्टीज हैं, बेकार पड़ी है, रख के भी फायदा नहीं है। हाँ, वैसे भी तुम्हारा खुद का बिजनेस इतना एक्सपेंड हो चुका है कि बाकी दूसरे कामों के लिए तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिलती होगी। लेकिन अंकल एक बात कहूँ। वो क्या बेटा? इस बात का बड़े अब्बू को पता लगना नहीं चाहिए।